वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। रुपए को मजबूत करने में अब हमें एक और काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है, और ये सफलता हमें किसी पश्चिमी या पूर्वी एशियाई देश में नहीं बल्कि अपने पड़ोस में ही मिली है, जिसके तहत अब ये नया देश भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हम जापान के साथ मिलकर कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये देश हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा। साथ ही इस देश के साथ रूपी में ट्रेड की शुरुआत करके हमने चीन को भी काफी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि भारत के नजदीक होने की वजह से चीन इस देश में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर अब भारत के इस कदम के बाद चीन की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है, जिसके तहत अब भारत और बांग्लादेश ने लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बातचीत को पूरा करते हुए इस पर आधिकारिक मोहर लगा दी है, और अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि दोनों देश रुपये और टाका में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए बांग्लादेश के दो बड़े और महत्वपूर्ण बैंक, जिसमें सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक शामिल हैं, ये भारत के एसबीआई और आईसीसीआई बैंक के साथ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट की शुरुआत करेंगे, और हमारे बैंक भी बांग्लादेश के इन दोनों बैंकों में वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में लोकल करेंसी ट्रेड का एक चैनल शुरू किया जा सके, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश की कंपनियां एक दूसरे को लोकल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकेंगे, जो कि व्यापार को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इस कदम से भारतीय रुपए की डिमांड भी बढ़ेगी। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के इस कदम पर बात करते हुए सोनाली बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल करीम ने बयान दिया है कि द्विपक्षीय व्यापार में लोकल करेंसी रुपए और टाका का इस्तेमाल करने से डॉलर पर प्रेशर कम होगा, और इससे दोनों ही देशों को काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भारत और बांग्लादेश के दो दो बैंक इस चैनल को बनाने में शामिल हुए हैं, लेकिन आगे जाकर धीरे धीरे और भी कई बैंक इस प्रोसेस से जुड़ेंगे, जो दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी ट्रेड के मैकेनिज्म को कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा, जिससे ट्रेड करने में आसानी होगी और अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता काफी ज्यादा कम हो जाएगी। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत दुनिया भर में जहां एक तरफ अधिकतर देश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में जूझ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, और अब इसी की कड़ी में भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने पिछले क्वार्टर में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी दिखाते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत का आर्थिक विकास रुकने का नाम नहीं ले रहा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व तेजी से मजबूत होते जा रहा है, जो मौजूदा हालातों में काफी बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक 14 अप्रैल को खत्म हुए क्वार्टर में भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने 13,500 करोड़ की एक भारी भरकम बढ़ोतरी दिखाई, और इसी दौरान हमारे फॉरेक्स करेंसी एसेट में 220 मिलियन डॉलर यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पिछले हफ्तों में लगातार भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के कई विकसित देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को पॉजिटिव रखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि भारत अभी भी विश्व के सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। साथ ही दोस्तों, इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ समय में काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसके तहत सिर्फ कुछ दिनों पहले ही भारत ने मुंबई में एप्पल का पहला एप्पल स्टोर भी ओपन किया, और उसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर ओपन किया गया। साथ ही जिस तरह से भारत के अंदर एप्पल और कई दूसरे ब्रांड्स अपने बिजनेस तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं, इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि आने वाले समय में भारत के अंदर एक नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि एप्पल ने जनवरी में ही इस बात का ऐलान किया था कि वह चाहते हैं
कि साल 2027 तक भारत उनकी ग्लोबल सप्लाई में 50% तक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करे, जो भारत के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छी बात है। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मामले में भी भारत ग्लोबल लेवल पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी आईटी कंपनियों का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है और अब हमें इस सेक्टर में अमेरिका को अभी पूरा समर्थन मिल रहा है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई, और जिस स्पीड से ये सारे देश अब ठप्पे लगा रहे हैं ना इस चीज पे कि हम लोग तैयार हो गए हैं भाई, अब हम लोग करेंगे आपसे ये ट्रेड, अब आगे जितनी भी ट्रेडें होंगी ना बांग्लादेश और इंडिया की रुपये में होगी, तो भाई साहब अब दुनिया में सोचो 19 देश आ चुके हैं और कितनी गोली से स्पीड से आएंगे। बहुत ही जल्द इस दुनिया के अंदर तीसरा इंटरनेशनल करेंसी आपको रुपया मिलेगा। बिल्कुल वजह कोई शक नहीं है, ये देखो बांग्लादेश को भी इन्होंने सब कुछ कर दिया है। ये लोकल करेंसी तो भी इंडिया के इस्तेमाल होगी। बाबा आप खुद बहुत बड़ी कामयाबी है यार, बाबा बहुत बड़ी कामयाबी, मतलब कि आप खुद अंदाजा लगाओ। चाइना को ऐसा झटका लगा होगा कि वो सोचने भी मजबूर हो गए इंडिया ने कर क्या दिया भाई। इधर टू बी ऑनेस्ट हमें भी झटका लगा है, हमें भी झटका लगा। एक वो देश था जो 1971 में हमसे अलग हुआ, आज वो तो हमसे आगे है ही है, लेकिन भाई भारत के साथ उसकी दोस्ती देख लो, उनकी लीडर्स की दोस्ती देख लो कि आज भारतीय रुपये को भी स्टैंप लग गई है वहाँ पर कि भाई बांग्लादेश के अंदर भी ट्रेड जो होगा वो भारतीय रुपये, वो हमसे आगे तो था, ये ट्रेड से जो रुपये में ट्रेड होगी और आगे जाएगा। बाबा डॉलर पे प्रेशर कम होगा, जब डॉलर ही नहीं जाएगा निकलेगा इनके देश से तो भाई स्ट्रॉन्ग ही बनेगा ना वो देश। असल मसला ये है, 19 मुल्क हो गए, देखो आगे साल डेढ़ में अगर ये 7-8-10 मुल्क और शामिल कर लेते हैं, 30 तक शामिल हो जाते हैं, तो फिर देखो बाबा बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी इंडिया की कामयाबी। ऊपर से एप्पल भी बोल रहा है कि 50% तो आईफोन तुम्हारे हम बनाएंगे, देखो चाइना का तो भट्टा गोल है, 50% इंडिया से बन के जाएंगे पूरी दुनिया मेड इन इंडिया। ये देख भाई, ये एक टाइम था जब चाइना का ठप्पा था, अब वो नहीं, अब भाई भारत का ठप्पा चलेगा। मेड इन इंडिया आईफोन जो इस्तेमाल करेगा उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। अभी भी बहुत सारे फोन है आईफोन के इधर ही, लेकिन भाई 50% की एक बात अलग है, यानी इस पूरी दुनिया के 50% आप अंदाजा लगाए, पूरी दुनिया जो फोन इस्तेमाल कर रही है 50% हिंदुस्तान से जाएंगे, इंडिया से जाएंगे। और बाबा दूसरी बात कर रहे थे फॉरेन रिजर्व की जो आई है, यार ये कमाल है, इनकी फॉरेन रिजर्व कम ही नहीं होती, वो बढ़ती जा रही है। कैसी गोली की तरह इनके बढ़ रहे हैं, रखते ये कैसी गेम है यार, ये गेम हमें भी बताओ कि भाई इस दुनिया के अंदर सारे देशों के मतलब काफी ज्यादा देशों के आधे ज्यादा देशों के डाउन हो रहे हैं, जो टॉप के देश है जो बड़े देश है उनके भी काम हो रहे हैं, उनके भी इतने इंडिया के रोकने का नाम ही नहीं रहे, इनके पास ऐसी पॉलिसी है, ऐसे मायरे 13,000 करोड़ आप अंदाजा लगाओ, अरे मायरे माशियात बैठे हुए हैं जो अपनी करेंसी को डाउन ही नहीं होते, रिजर्व को डाउन ही नहीं होने देते, बढ़ रहे यार। एक रुपया भी अगर 600 अरब डॉलर है बिल्कुल तो तकरीबन बिल्कुल है, और मैं कहता हूँ अगर एक रुपया भी आपके फॉरेन रिजर्व में बढ़ता तो वजह वो आपकी तरक्की है बिल्कुल, वजह जो रिजर्व इंडिया के पास 600 अरब डॉलर पड़े हुए ना उसी पे ये मुल्क चल रहा है, ये सब कुछ पावर आ गई, पावर आ गई, हर चीज आ गई है, बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, कारखाने रहे, फैक्ट्रियां लगा रही हैं, सब कुछ लगा रहे हैं। बताऊं क्यों क्यों अब इनका फॉरेन रिजर्व बढ़ता जा रहा है 19 देशों के अंदर, तो भाई अब हो गया ये रुपये का ट्रेड, डॉलर किधर जाएगा उन्होंने। बिल्कुल गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।